अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बख़ैर आफ़ियत होंगे। आज के लेक्चर में हम जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। पीपीएससी के वन पेपर एमसीक्यूज के हवाले से जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो चैप्टर वन है ये कम्प्लीटली जियोग्राफी के मुतल्लिक जो एमसीक्यूज हैं उन पर मुश्तमिल है। तो हम स्टार्ट करते हैं और हम तकरीबन आज 50 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे विद इन 10 मिनट्स होपफुली। इन द कम्पोजिशन ऑफ अर्थ एलुमिनियम इज़, मतलब कि अर्थ की जो कंपोजिशन है उसमें एल्युमिनियम की कितनी मिकदार है, वो है जी 8.1%। डीपेस्ट पार्ट ऑफ ओशियन कौन सा होता है, मेरियाना ट्रेंच। आफ्टर ऑस्ट्रेलिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, मतलब कि सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद कौन सा छोटा कॉन्टिनेंट है, वो है जी यूरोप। डीपेस्ट प्लेस कौन सी है इंडियन ओशियन में, इंडियन ओशियन की जब बात आएगी तो हम कहेंगे सुंडा ट्रेंच। हाईएस्ट वाटरफॉल की जब बात आती है तो वो हमारे पास है एंजल वाटरफॉल। द एरियाज अराउंड द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स विद इन द पोलर सर्कल इज कॉल्ड, मतलब के जो एरियाज हैं नॉर्थ और साउथ पोल्स के इर्द गिर्द पोलर सर्कल में उनको हम कहते हैं फ्रिजिड जोन्स। डेथ वैली कैलिफोर्निया में मौजूद है यूएसए में, इसको ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे हॉटेस्ट प्लेस है और यहाँ पर जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 56 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है दुनिया में, पैसिफिक ओशियन। मेडिटेरियन सी और कोनेक्ट अगर कौन सी स्ट्रेट है जो मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट करती है, तो ये है जी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो आप अगर इसके निमोनिक्स बना लें तो आपको ये याद रखना ज़्यादा आसान होगा, लाइक MAG, मतलब मेडिटेरियन और अटलांटिक ओशियन को स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट कर रही है। कैरेबियन सी को कौन सी कनाल लिंक करती है ओशियन पैसिफिक ओशियन के साथ, तो ये जी अगेन पनामा कनाल है। यहाँ पे अगेन आप बनाएंगे निमोनिक्स, PPC कर लें आप। सी ऑफ जापान इज़ फेमस फॉर, किस लिए मशहूर है जापान का सी, फिशिंग एरिया के लिए। रेड सी कहाँ पे, कौन से बरियाज़मों के कौन से ममालिक के दरमियान मौजूद है, तो ये अरेबिया और अफ्रीका के दरमियान मौजूद है। अलेक्जेंड्रिया सी पोर्ट है इजिप्ट की, मिसर की। बैरिंग स्ट्रेट सेपरेट करती है एशिया को अमेरिका से, यानी कि रशिया के आगे ये मौजूद है बैरिंग स्ट्रेट। लॉन्गेस्ट माउंट रेंज कौन सी है दुनिया में, तो ये एंडीज़ है, US में है। साइप्रस इज़ एन आईलैंड इन द मेडिटेरेनियन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर्स द वाटर ऑफ कैस्पियन सी, तो कौन से ममालिक हैं जी, रशिया, ईरान, अजरबैजान, ये तीनों मुल्क शेयर करते हैं कैस्पियन सी का वाटर। पाल स्ट्रेट किस इंडिया को किस से सेपरेट करती है, श्रीलंका से सेपरेट करती है। डिक्सन इज़ सी पोर्ट ऑफ, किसकी सी पोर्ट है डिक्सन, मलेशिया की। लेक सुपीरियर जो सबसे बड़ी दुनिया की फ्रेश वाटर लेक है। सियाटल सी पोर्ट है इसी तरह से USA का। विच ऑफ फॉलोइंग स्ट्रेट सेपरेट्स इटली फ्राम सिसिली, बोनीफेसियो जो स्ट्रेट है वो सेपरेट करती है इटली को सिसिली से। दुनिया का जो लार्जेस्ट रिवर है वो है नाइल और जिसकी लेंथ है 6521 किलोमीटर। सबसे जो लॉन्गेस्ट रिवर पाकिस्तान में कौन सा है, वो है जी सुतलज। विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट सी, सबसे छोटा सी है सी ऑफ मरमारा। विच ऑफ़ द फॉलोइंग रिवर इज़ लोकेटेड इन इराक, इराक में कौन सा दरिया मौजूद है, इनमें से यूफ्रेट्स है। इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंट्री विक्टोरिया फॉल्स इज़ लोकेटेड, विक्टोरिया फॉल जिम्बाब्वे में मौजूद है। विच ऑफ़ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज़ लोकेटेड बिटवीन अमेरिका एंड कैनेडा, तो ये जी नियाग्रा फॉल्स मौजूद है अमेरिका और कैनेडा के दरमियान। लार्जेस्ट डैम कौन सा है दुनिया का, वो है तरबेला डैम। विच ऑफ़ द फॉलोइंग रीजन न्यूजीलैंड इज सिचुएटेड, इनमें से कौन से रीजन में न्यूजीलैंड वाकई है, वो है ओशियाना। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड फ्रंटियर है अमेरिका और कनाडा के दरमियान। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसिंग कंट्री है मैक्सिको। वैलीटेला है जी कैपिटल माल्टा का। अच्छा, कैपिटल के मुतल्लिक भी अमूमन बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं और ऐसा कोई सवाल आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अननोन होता है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि वैलीटेला है कैपिटल ऑफ माल्टा। UAE के की जो किस चीज़ पे कंप्राइज़ कर रहा है, अबू धाबी भी UAE में है, शारजा भी एंड फुजैरिया भी। विच ऑफ़ द फॉलोइंग डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट इन द एरिया, ये सबको मालूम है कि सहारा डेजर्ट है। फेमस दोस्त लुत डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन ईरान। नागा पर्वत जो फेमस माउंटेन है पाकिस्तान का, ये कौन सी पीक में मौजूद है, हिमालय रेंज में मौजूद है ये। कसर मंत्रा इज़ एन ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ किन की, ऑफिशियल रेजिडेंस है ये सऊदी किंग की। वाई ब्लैक सी इज़ सो कॉल्ड, ब्लैक सी को ये नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि डेंस फोग है जो प्रिवेल करती है विंटर में इसके ऊपर, इसलिए इसको डेंस सी कहते हैं।
विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंट्री इज़ द लार्जेस्ट बाई एरिया, एरिया के लिहाज से कौन सा मुल्क सबसे बड़ा है, वो जी कैनेडा है। विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंट्री इज़ पेनिनसुला, पेनिनसुला कौन सा मुल्क है, सऊदी अरेबिया, मतलब इसके ज़्यादातर बॉर्डर को कवर कर रहा है। सी विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंट्री इज़ लार्जेस्ट बाई पॉपुलेशन, तो चाइना है वो। विच ऑफ़ द वर्ल्ड इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ, विच ऑफ़ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ कॉल्ड सिटी ऑफ एंजल्स, तो बैंकॉक को कहते हैं सिटी ऑफ एंजल्स। विच पार्ट ऑफ वर्ल्ड इज़ कॉल्ड कॉकपिट ऑफ यूरोप, बेल्जियम, ये भी बहुत मशहूर सवाल है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट फिश कैचिंग कंट्री इज़ चाइना। द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेल रोड टनल सीकान इज़ लोकेटेड इन जापान। विच कंट्री इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी, तो लबनान को कहते हैं लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी। विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज़ कॉल्ड प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, स्विट्ज़रलैंड को कहते हैं प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ मिड नाइट सन, नॉर्वे को कहते हैं मिड नाइट सन लैंड ऑफ। तो ये आप देख रहे हैं ये तीन चार जो MCQs हैं, लाइक प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, लैंड ऑफ मिड नाइट सन, और इसी तरह से हमने ऊपर जो स्टडी किया है कि कॉकपिट ऑफ यूरोप, तो ये तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है जी व्हाट इज़ बिग बैन, बिग बैन है जी ए क्लॉक प्लेड ऑन ब्रिटिश पार्लियामेंट। चलें 51 क्वेश्चन भी स्टडी कर लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी सी डिटेल दी गई है। विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ बाल्टिक स्टेट, तो एस्टोनिया हमारे पास है बाल्टिक स्टेट। तो बाल्टिक स्टेट थ्री सोवरियन स्टेट्स को कहते हैं जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ बाल्टिक सी पे मौजूद हैं, उनमें एस्टोनिया आता है, लेटविया आता है, लिथुएनिया भी आता है। यहाँ पे अगर एस्टोनिया की जगह लेटविया और लिथुएनिया हो तो आपने परेशान नहीं होना, इनको आप इनको भी आप एज ए बाल्टिक स्टेट चूज़ कर सकते हैं। ये जी आज हमने 50 MCQs स्टडी किए हैं जनरल नॉलेज के, इससे आप गो थ्रू कर सकते हैं, मेमोराइज़ कर सकते हैं, होपफुली ये आपको PPSC के जो पेपर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।